नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अक्षर स्पिनटेक्स के बारे में। आज के दिन इसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रहा है। इसमें एक गिरते हुए मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है। जैसे अगर बात करूं तो जीएसटी काउंसिल बैठा हुआ था, जिसमें जो है कई कंपनियों को लेकर, कई फील्ड को लेकर बात हो रही थी। अभी इस फील्ड में जो है ना, टेक्सटाइल का भी नाम आ चुका है। टेक्सटाइल फील्ड में गवर्नमेंट सोच रही है कि टैक्स रिलीफ दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना जो टेक्सटाइल फील्ड है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से मार खा रही है जब भारी जीएसटी को लेकर, तो टैक्स रिलीफ दिया जा सकता है। और साथ में जो है गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी ना टैक्स रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ आते ही जो है इसमें आपको शेयर्स में गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है। मगर ना ये लगातार जो इस जैसे न्यूज़ फैल रहा है, वैसे जैसे आज के दिन अगर बात करूँ आलोक इंडस्ट्रीज़ में कितना 4% का शानदार रैली देखने को मिला। और ये स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक है, तो इसमें क्या देखा जाता है, मेन चीज़ है इसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। इसमें न्यूज़ इसके खुद का न्यूज़ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो इसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और इसका प्राइस बैंड कितना है, तो 5% का, तो इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ जाता है इसमें शानदार रैली देखने को मिल सकता है। इस वक्त में मार्केट फेवरेबल होना चाहिए पेनी स्टॉक के लिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट भी अच्छा है और यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम बनाया है। बहुत ही जल्द इसमें ना एक शूटअप हमको देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त हमारे पास एक सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, तो सपोर्ट लेवल ना 2.5% का एक मजबूत सपोर्ट लेवल रहेगा, मतलब 2.5 रुपये का सपोर्ट लेवल रहेगा। और यहाँ से हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 3 रुपये का रहेगा, क्योंकि एक छोटा टारगेट है यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 रुपये चला जाता है ना, कम से कम इसमें 12% का शानदार रैली देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो है 3 रुपये का। दूसरा टारगेट रहेगा 3.5 रुपये तक का, शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।